प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। बेरोजगारों ने बढ़ती बेरोजगारी से प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ताली और थाली बजाई। गाजीपुर जनपद से जावेद बिन अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर आजादी की इतिहास है या सीमा की सुरक्षा है, जनपद गाजीपुर प्रथम श्रेणी में खड़ा रहता है। पूरे भारत में ऐसा जनपद नहीं मिलेगा जहां एक तहसील के 8 लोग आजादी की लड़ाई में शहीद होते हैं। पूरे भारत के युवाओं की तरह महमदाबाद तहसील के युवाओं ने भी हनुमान मंदिर पर खड़े होकर निजीकरण के खिलाफ प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संकल्प को देवरा कर पूछा, कहाँ है रोजगार। आप भी देखिए सुनी जनपद गाजीपुर से जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। आप लोग आज इकट्ठा होकर के देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम कुंदन यादव और हम जो भी युवा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एक तरफ से कह लीजिए कि माननीय पीएम मोदी जी के प्रेरणा से इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह कोरोना महामारी पूरे विश्व में आई उस समय से चूँकि इससे कुछ होने वाला नहीं था, थाली पीटने से और ताली बजाने से और दिया जलाने से कुछ होना नहीं था, लेकिन एक सहानुभूति के रूप में पीएम मोदी ने कहा, उसको हम लोगों ने किया। उनकी बातों को हम लोग 2014 से मानते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस परिक्षेत्र में जिस तरह सरकार की कानों से सुनाई नहीं दे रहा और आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, इसके उपलक्ष्य में हम सभी युवाओं के संगठन ने यह तय किया कि अपनी बात जो है जिस प्रकार से पीएम मोदी ने हम लोग से आह्वान किया उन्हीं के लहजे में हम उनके तक पहुंचाएं। इसलिए हम लोगों ने ताली और थाली और घंटे और संघ के साथ ये नाद किया है कि आप जो है हर सेक्टर को निजीकरण में दे रहे हैं, और आपने जैसा कि 2014 में आपने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप 2 करोड़ को छोड़िए 50,000 भी नौकरी एक साल में आप नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा क्यों? जो नौकरियाँ भी हैं आप उसका निजीकरण करते जा रहे हैं, पूंजीपति को बढ़ावा देते जा रहे हैं, वोट दिया हमने और आप कुछ चुनिंदा लोगों का जो है ख्याल रख रहे हैं, ऐसा क्यों? हम सभी भारतवासी और युवा शक्ति ये आपके माध्यम से हम लोग जो है पीएम मोदी से आह्वान करते हैं कि आप निजीकरण बंद कीजिए, रोजगार पर ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी भी देश की युवा शक्ति जो होती है उसकी रीढ़ होती है और आप उस रीढ़ को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम सभी युवाओं के माध्यम से, मैं अपने सहयोगियों के माध्यम से और खुद पूरे अपने गार्जियनों के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी बातों को सुनिए, और ये सिलसिला यहीं पर थमने वाला नहीं है। जैसे कि बेरोजगार संघ का गठन होने जा रहा है और जितने भी युवा हैं वो कुछ दिनों के बाद, आपने अभी धारा 144 लागू कर दी है, आप कब तक बंधन में रख सकते हैं? हमेशा बंधन में नहीं रह सकते हैं। जैसे ही 144 का धारा टूटेगा, ऑल इंडिया बेरोजगार संघ सड़कों पर निकलेगा और आपसे रोजगार मांगेगा। इसलिए आपको मुश्किल उस समय हो सकती है, इसलिए हम लोग का निवेदन है कि आप हमारी बातों को सुनिए और न्यूज़ के माध्यम से चाहे जिस भी माध्यम से, मैं अपने सभी शुभचिंतकों सभी बेरोजगार भाइयों से चाहूँगा कि इसको आप शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हम युवाओं की पुकार है, हम युवाओं की पुकार है।